इंटीरियर ऑफ द स्टमक ये भी लिखना है और वो हिस्टोलॉजी से भी रिलेवेंट है। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि इंसाइज करेंगे अलॉन्ग टू द आई थिंक ग्रेटर कर्वेचर से खोल लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक निक यहाँ पे देते हैं, सीजर ले आओ सीजर। तो ये है स्टमक, भैया देख लो एक बार, कटने वाला है ये, ठीक है, देख लिया, इधर का पीछे देख लिया, कहाँ पे लगाएंगे इंसिजन, अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर बुक शेप मैनर में खोलेंगे। ये हम ऐसे उठा लिए इस कैची को और हमने अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर यहाँ पे एक निक लगा दी, ऐसे निक लगाया, ठीक, यहाँ से अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर हमने काटना शुरू कर दिया। पकड़े रहो अनुराग, अब देखो ये पॉलीरुक नोड्यूल आ गया, यहाँ पे काफी थिक है, ठीक है, लेकिन हम इसको खोलना है, दिख रहा है, पहले देख लो क्लोज है ना पूरी, है स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर है पाइलोरिक एंड में, चलो अभी थोड़ा बाद में खोलेंगे, पहले ऐसी चीज देख लेते हैं। तो भाई ये ऐसे था, ये गिवन है इंसिजन अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर और अब हम इसको बुक शेप मैनर में खोल दिया, दिस इज द इनसाइड ऑफ द स्टमक, ठीक है, और चाहो तो हम इसको भी खोल ही दिए ताकि स्फिंक्टर भी दिख जाए, अभी तो ये दिख रहा है काफी क्लोज है पाइलोरिक स्फिंक्टर, चूंकि यहाँ सर्कुलर मसल फाइबर बहुत अबंडेंट होते हैं और ये नोड्यूलर फील देता है, जिससे मैंने बताया था अपर एंड लोअर एंड ऑफ द स्टमक भी ऐड, नहीं इसको स्कैल्पेल से करेंगे, स्कैल्पेल लाओ क्योंकि ये ठीक है ना, यहाँ पे काफी ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम भी खुल गया है, ठीक है, ओके, यहाँ पे डुओडेनम में जो हॉरिजॉन्टल म्यूकोसल फोल्ड्स दिख रही है ना, इसको क्या कहते हैं, प्लाइका सर्कुलरिस, ऑल्सो कॉल्ड वॉल्स ऑफ कर्करिंग, ठीक है, इसको फिलहाल हम डुओडेनम में पढ़ाएंगे आगे। ये जो एरिया है दिस इज द स्फिंक्टर, ऐसे था ये देखो, दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके, एंड दीज आर वॉल्स ऑफ कर्करिंग प्लाइका सर्कुलरिस, ओके। अब ये देखो कि अब हम इसको ध्यान से पहले एक्चुअली धो लें, शायद एक्चुअली एक बार अंदर का भी वॉश नहीं हुआ है, ऐसे रगड़ के कोई ग्लव्स पहने, सुनो तुम इधर आओ, बेसिक पे जाके इसको जो डार्क एरिया है ना इसको ऐसे से रगड़ के, जैसे कपड़े धोते नहीं है, तुम धो के लाओ इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो, क्योंकि गैस्ट्रिक, ओके, नाउ द स्टमक हैज बीन वॉश्ड बोथ फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, दिस हैज बीन क्लीन आउट। अब एक्चुअली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ द स्टमक, नाउ इनसाइड व्हाट यू सीइंग इज एक्चुअली कॉल्ड द मैक्रोस्कोपिक फीचर्स, मैक्रो मींस यू सीइंग इट विद योर नेकेड आईज, बट इफ यू यूज अ लेंस देन विल बी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, वी एक्चुअली शुड हैव अ हैंड लेंस हियर, बड़ा वाला हैंड लेंस की जरूरत थी। नाउ व्हेन यू सी इट इनसाइड देयर आर लॉट ऑफ म्यूकोसल फोल्डिंग्स हियर, राइट, दे आर मोस्टली इररेगुलर फोल्डिंग्स अलोंग टू द ग्रेटर कर्वेचर्स, but along to the lesser curvature they are mostly vertical folds, these are vertical longitudinal folds and these are called ridges, gastric ridges, if you close it like a book, so because of these longitudinal ridges they will form a canal here, this is called gastric canal, jisme liquids seedhe se yahan aate hain aur yahan se pass ho jate hain, yahan se nikal ke it goes directly here to this pyloric end, or rest of the mucosa is actually having irregular mucosal folds, theek, so these are rugae, and another thing is if you have a, you know, if you look closely it could have been better if you could have seen it with a hand lens, you will find it like a brush thing, I mean, you know, velvety appearance, doesn't, yes sir, ye velvety appearance dikh raha hai, yes sir, thoda light bhi aur honi chahiye, ye jo velvety appearance hai if you see with a hand lens you will find ki isme bahut sare pores hain, microscopic pores, and those are actually called the gastric pits, gastric pits are the openings of the gastric glands, theek, agar ye dekh liya hai to ab hum baat karte hain gastric glands, so gastric glands kya hai, they are simple tubular glands, invagination of the mucosal epithelium inside the mucosa of the stomach, agar ye andar jaate hain aise mucosal folds तो कुछ जगह हाफ दी थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा में जाते हैं, कुछ जगह फुल थिकनेस, जैसे फंडस में नियरली हाफ में रहते हैं, पाइलोरिक रीजन में भी नियरली हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा में जाते हैं, बट बॉडी ऑफ द स्टमक में जब गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड दे ट्रेवर्स द एंटायर थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा, एंड अलोंग टू द नेक ऑफ दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ गॉब्लेट सेल्स, द पर्पस इज टू सीक्रेट मोर अमाउंट ऑफ म्यूकोसा, राइट, then towards the middle portion and towards the tail end you find the zymogen cells,
the chief cell also called as Paneth cell, which secretes enzymes. ठीक तो पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं जो लोअर एंड है उसमें और नियरली इन बिटवीन यू फाइंड यू नो बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं. इसको बीडेड अपीयरेंस भी दिखता है यू सी इन अ माइक्रोस्कोप. तो बिकॉज ऑफ दिस म्यूकोसल सेल एक्चुअली डजंट टेक गुड स्टेन्स. म्यूकोसा कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं म्यूसिन इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. हिमेटॉक्सिलिन स्टेन भी नहीं लेते हैं वो और योसिन भी नहीं लेते. तो फिर इधर मिलते हैं पेराइटल सेल्स अलॉन्ग टू द नेक यानी समवेयर ऑन द मिडल यू फाइंड इस पेराइटल सेल्स. तो पेराइटल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं ऑब्जेंटिक सेल्स कहते हैं एचसीएल सेल्स. लोअर डाउन बिलो अर्जेंटा फिन सेल्स भी कहते हैं. अर्जेंटा फिन सेल्स आर सिल्वर एजी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो अर्जेंटा फिन सेल्स जो होते हैं ये सिल्वर स्टेनिंग्स लेते हैं और ये जो है क्या कहते हैं कि सीरोटोनिन वगैरह सीक्रेट. The purpose actually is to, and you find is myoepithelial cells होने ज़रूरी हैं जो कि parasympathetic nervous system किस पे act करेगा. You know nervous system may be autonomic or parasympathetic or somatic. हमेशा they will add on muscle cells, either on smooth or skeletal muscles or cardiac muscles. So you have is myoepithelial cells surrounding to the end of these gastric glands, the simple smooth muscle cells. उस पे nerve fibers act करते हैं and then they squeeze. And that's how the milking action say those secretions are go down into the stomach. Now important is that about the mucosa, which is very tough and thick mucosa in the stomach. I told you the reason is they have a acid HCl of 2 pH. Or us 2 pH mein hum non-vegetarian diet consume karte hain, digest karte hain, but not the walls of the stomach itself. Why? Because this wall has zona occludens type of intercellular junctions. Cell ke cell ke beech mein se acid ja sakta hai. So you have zona occludens means tight junctions between the epithelium and rich amount of mucus also is being laid down regularly being replaced. Okay? So that was about this inside of the stomach aur zyada to kuch nahi. Histological sections dekh sakte ho uske baad aur acche se samajh mein aa jayega. I think this is done. Thank you, sir. ठीक है.